कई बड़ा सवाल ये है, किसानों के सामने बड़ी समस्या ये अभी खड़ी हो रही है क्योंकि अभी पेस्टिसाइड्स जो है जो कीटनाशक दवाएं वो नहीं मिल पा रही मार्केट में, धान की फसल तैयार है खरीफ फसल, तो उसमें उसको फसलों में कीड़े लग गए हैं, तो बड़ा नुकसान कीड़े जो है फसल उठा रहे हैं। मुझे कोई गाइडलाइन भी नहीं है कि सरकार ने जारी की हाँ मेडिकल स्टोर खुलेगा, लेकिन पेस्टिसाइड्स की दुकानें नहीं खुली है, उससे परेशानी होती है। इतना ही नहीं, पूरा कृषि क्षेत्र में सरकार का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग या ध्यान नहीं है। जो कृषि की दवाइयों के लिए, उपकरणों के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, खाद के लिए, कृषि उपकरणों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, दो सालों से वो किसानों को नहीं मिली है। दो सालों से लगभग 100 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के खाते में जमा है, प्रदेश के बीज विकास निगम के खाते में जमा है और केंद्र सरकार को भेज दिया कि इस पैसे को हमने खर्च कर दिया। ये आपराधिक कृत्य है। किसानों को सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है, केंद्र सरकार के पैसे को खाते में जमा कर कर उसका ब्याज खा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और किसानों के मामले में इन्होंने सोच लिया कि 2500 रुपये हमने धान की कीमत देकर ये तीसरी समझ ली है। जो मेरी जानकारी में है पिछले 2 साल में एक भी खेत में ड्रिप स्प्रिंकलर नहीं लगा है, एक भी खेत में नेट सेट हाउस नहीं लगे हैं। किसानों को जो कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए वो सब्सिडी नहीं मिली है और अधिकारियों के खातों में पैसे जमा हैं और बीज विकास निगम के खातों में पैसे जमा हैं और केंद्र सरकार से पैसे ले लिए हैं, जो राज्य सरकार का अनुदान है वो इन्होंने जमा नहीं किया है। और जब ये कोरोना का काल है और जब हमारे धान की फसल पकने के समय पर है, ऐसे समय पर किसानों को खाद, बीज, पेस्टिसाइड ये सुगमता से उपलब्ध हो, सब्सिडी पर उपलब्ध हो, ये भी सरकार ने कोई निर्णय इस बारे में नहीं लिया है और इससे छत्तीसगढ़ के पूरे किसान परेशान हैं।